दोस्तों झारखंड में एसएससी द्वारा पीजीटी की वैकेंसी जारी कर दी गई है, साथ ही साथ पीजीटी का जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। तो बच्चों मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कराता हूं, तो मैं फोकस करूंगा पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे डिस्कस करने पर। तो बच्चों सिलेबस जो था वो पहले अगर आप देखोगे तो वो बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस था, और अब आपके झारखंड ने जो अपना सिलेबस कर दिया है वो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के इक्विवेलेंट कर दिया है। यानी कि यहाँ पे जो आपका जो सिलेबस कर दिया है वो सेम एज सिलेबस इज सेम एज यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। और मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है फर्दर वीडियो बना बना के, लेकिन फिलहाल एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सिलेबस में आपको सबसे पहले आपके दो पार्ट होंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, एक मिनट बच्चों, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी और प्रोड्यूसर थ्योरी इसमें से मिस की हुई है, लेकिन आपको बाकी का सब कुछ पढ़ना है। जैसे यहां पे देखिए मार्शल एंड वॉलरस का अप्रोच है प्राइस डिटरमिनेशन के लिए, इसका मतलब इससे पहले आपको डिमांड सप्लाई वाले सारे कंसेप्ट आने चाहिए। ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है जिसमें रिकार्डो कैलडोर और कैरकी की है। तो बच्चों इसके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है वो भी आपको पढ़नी चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर आपको बना रखा है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ड्यूपोली, ओलिगोपोली एंड मॉडर्न वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन दिया है। तो ये सारा का सारा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का ही सिलेबस है और काफी एडवांस वर्जन पर है। तो देखिए सिलेबस तो एडवांस वर्जन पर है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पेपर इस लेवल का नहीं आएगा, यूपीएससी लेवल का, और ऑब्जेक्टिव होगा। 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 160-170 क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से कवर करने ही पड़ेंगे अगर आपको रैंकिंग लेनी है, अगर आपको शॉर्टलिस्टेड होना है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको केंजियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़नी है, क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़नी है, इसमें से नेशनल इनकम नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जो न्यू क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल वो भी पढ़ना है। इसके अलावा मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुद्रावादी जिसे कहते हैं, और रैशनल एक्सपेक्टेशन पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो ये पूरी की पूरी बुक जो है वो फ्रियोन की बुक है। देखिए हिंदी में बुक मिलना मुश्किल है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम में आपको बुक नहीं मिलेगी अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करोगे। हालांकि अगर रेफरेंस की बात करें तो आप एचएल आहूजा सर का यूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में फ्रियोन की बुक आती है, पूरा का पूरा सिलेबस इसी से बना हुआ है, फ्रियोन की बुक से। और माइक्रो के लिए आप एचएल आहूजा यूज कर सकते हो, एचएल आहूजा सर की बुक यूज कर सकते हो, आहूजा की। और यहां पे अगर आपको ये लेना है तो आप इसके हिंदी में अगर आप हो तो एचएल आहूजा सर की ही बुक आप यूज कर लीजिएगा, बाकी का मैं आपको और बुक के नाम बता दूंगा, फिलहाल मैं आपको बुक का लिस्ट नहीं बता रहा हूं। लेकिन इंग्लिश में आपको एक फ्रियोन की बुक मिलती है, वही पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेगी। तीसरा मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये आपको एच एल आहूजा सर की बुक में सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक फाइनेंस है उसके लिए एच एल भाटिया सर की किताब आती है, वो आप रेफर कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस के अंदर आपको पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर जो पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तमाम सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी बच्चों। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पूरा कंटेंट है, ये आपको भी मिल जाएगा, सारे का सारा कंटेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, जिसमें ओल्ड एंड न्यू थ्योरीज हैं। तो ये आप सिलेबस को डाउनलोड करके आराम से आप देख लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में भी ये सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल मैंने किया है। तो बच्चों बेसिकली इसके दो पार्ट में से एक पार्ट तो आपका है माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको हिंदी में अगर मीडियम में हो तो बड़ी मुश्किल से आपको कंटेंट बुक मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कंटेंट धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराने की। और इसके अलावा आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी में दो हिस्से बना दिए हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा और प्री इंडिपेंडेंट एरा। तो दो तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड प्री इंडिपेंडेंट। तो पूरी तरीके से आपको पढ़ना है, और इसके अंदर भी लिबरलाइजेशन का है और पोस्ट लिबरलाइजेशन है, यानी कि एक तो है हमारा प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा दिया हुआ है, इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंट में प्री लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो ये अगर आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी का,
तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, तो काफ़ी फोकस आपको इंडियन इकोनॉमी पे करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सिलेबस आपको दिया हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली आपको याद रखना है कि अब आपको जो तैयारी करनी है वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर सिलेबस के हिसाब से करनी है, यानी कि अब आपका जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का है। तो आप देखिए, हो सकता है झारखंड में इस तरीके का सिलेबस रखने की वजह यह है कि और भी एग्जाम होते हैं, जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है, ऑडिटर का है, इस सबके सब सिलेबस में यूपीएससी का सिलेबस आता था, पीजीटी के सिलेबस में केवल उन्होंने अलग सिलेबस दिया हुआ था। तो अब सारी चीजों का सिलेबस सेम है, यानी कि आप झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इकोनॉमिक्स है, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, या अब आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मान लीजिए या पीजीटी का मान लीजिए, तो यही सारा का सारा सिलेबस अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। बच्चों ये जो सिलेबस है ये आप अपने नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा आपको, और यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो बच्चों इसके लिए देखिए हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, मैं आपको एक बार कोर्स के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए हमने कोर्स बनाया हुआ है जो कि स्पेसिफिक एक पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ही है। इस ये एक वीडियो कोर्स है और इसमें आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। हालांकि कंटेंट अभी पूरा नहीं है, कंटेंट को पूरा करने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगेगा। इतने समय में ही आपका कंटेंट पूरा हो पाएगा। पहले हम हिंदी में सारा कंटेंट डिजाइन करेंगे, फिर सारे का सारा कंटेंट को हम इंग्लिश में भी डिजाइन करेंगे। तो टाइम लगेगा बच्चों, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा, हालांकि काफ़ी सारा कंटेंट हमारा ऑलरेडी पूरा है। तो आपको वीडियोज मिलेंगी, इसके अलावा जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको करने के लिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आपको काउंसलर का नंबर हम दे देंगे जिससे कि आप डाउट का सॉल्यूशन कर सको। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा बच्चों, अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हो झारखंड से। इसके लिए बच्चों हमने कोर्स जो डिजाइन किया हुआ है वो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे मिल जाएगा। यहां पे मैं आपको कोर्स का एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं किस तरीके का कोर्स है। देखिए ये हमारा कोर्स है पीजीटी इकोनॉमिक्स का, और इसकी जो फीस है बच्चों वो 6000 है। हालांकि 6000 हमने इसलिए रखी हुई है क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी बच्चों आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो लगभग आपको 4800 में आपको ये पूरा का पूरा, या 4800 जो भी आपका है। इसके अलावा बच्चों इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से इंस्टॉलमेंट में भी आप इसको पे कर सकते हो। 4600 इसकी फीस अराउंड पड़ेगी आप बच्चों के लिए। कंटेंट की बात हम कर लेते हैं, कंटेंट में आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट है। मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखा रहा हूँ, हालांकि इसमें अभी वीडियो अपलोड करना और बाकी है, काफ़ी सारा इसका अंदर कंटेंट हम अपलोड करेंगे, एक एक करके आपको बताते भी रहेंगे कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समृद्धि और विकास, और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन 6 कोर टॉपिक के अंदर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट रहने वाला है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है, सारा का सारा कुछ आपको आप किसके अंदर आपको मिल जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसी तरीके से बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र का आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों बेसिकली इस वीडियो का बताने का पर्पज यही था कि अब आपको जो तैयारी करनी है वो सारी की सारी यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अकॉर्डिंग करनी है। और आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।